a very good morning traveling Chatora's family. So after a long time Leh Ladakh ke baad ye hamari second ride start ho rahi hai. Leh Ladakh wali ride incomplete video upload hui because mera sara data corrupt ho gaya tha. Mood bahut upset ho gaya tha. But I made my mind to start again for my YouTube family and to inspire myself ki itni jaldi haar nahi manni. तो आज की राइड है हमारी दैट विल एक्सप्लोर बिहार. बहुत कम लोग बिहार की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. दे आर वेरी मच फियरफुल फॉर द नक्सलाइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. बट एक्सप्लोर तो सब करना पड़ेगा. वी आर चटोराज सो वील ट्रैवल टू फाइंड गुड फूड एंड वील शेयर आर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस विद यू. सो टाइम है सुबह के 5:10 और हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे. सीधा मिलते हैं आपको एक्सप्रेसवे पे और बताते हैं कि जर्नी में हमारे साथ साथ कौन जा रहा है. टिल देन स्टे कनेक्टेड. सो हम एंटर कर गए हैं टूवर्ड्स एक्सप्रेस हाईवे की रोड के लिए महामाया से घूम के. और मुझे टैंक फ्यूलअप करवाना है. रॉयल इनफील्ड पे मैंने बाइक सर्विस के लिए भेजी थी एंड ऑलमोस्ट 75% टैंक मेरा फुल था. तो मैंने नोटिस किया नहीं और अभी देखा तो टैंक जो है एम्प्टी के पास ही है. सो लास्ट टाइम निशांत भाई ने मुझे कहा भी था कि टैंक फुल करके कभी भी सर्विस के लिए मत भेजा करो, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसके एम्प्लॉइज़ तो जेन्युइन नहीं है ना. फ्यूल भराने की वेट कर रहे हैं. अभी रीफिल हो रहा है पूरा पेट्रोल पंप और कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना फ्यूल है, कितना आया है. उस कैलकुलेशन के करके हमें 10 वेट करना पड़ेगा. आगे कहीं और मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे और कोई मालूम नहीं इसके आगे कहाँ है पेट्रोल पंप. नहीं इतना ही कर दीजिए. हाँ जी हाँ जी हाँ कहीं हाँ जी हाँ जी. तो हमने टैंक फ्यूलअप करा दिया है. टैंक फ्यूलअप हुआ 1063 में 1063 के अंदर टैंक फ्यूल हुआ. अब हम परी चौक से वापस घूमेंगे टूवर्ड्स दिल्ली के लिए और वहाँ से फिर लेफ्ट होके एक्सप्रेसवे पे जाना पड़ेगा. एक अनबॉक्सिंग भी करनी है अभी तो. क्या लिया है? एक ड्रोन ही. आगे निशान भाई चल रहे हैं, उनके आगे एसजे ब्लॉक से शुभम भाई चल रहे हैं और हम किसी ढाबे पे रुकेंगे तब एक दूसरे से फॉर्मल इंट्रो करेंगे या इनफॉर्मल इंट्रो करेंगे. शुभम भाई से मैं भी पहली बार मिलूँगा. निशान भाई तो यार आपको मालूम ही है लेह लद्दाख सीरीज़ अगर पॉसिबल हुई थी मेरी तो वो कल निशान भाई के करके हुई थी. एक बात तो है बारिशों के बाद एक्सप्रेसवे भी चमक पड़ा ग्रीनरी से. जब बारिशें आती हैं ना तो एकदम जो फ्रेश फ्लोरोसेंट ग्रीन शेड निकल के आता ना पौधों का देख के मज़ा आ जाता है. और फूल देखो कितने प्यारे प्यारे लगे हैं. पता नहीं गोप्रो पे आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे. पिंक येलो रेड सभी तरह के फूल लगे पड़े हैं. एक्सप्रेसवे में चलाने का मज़ा ये है कि आप नॉन स्टॉप स्मूथली चला रहे हो बट रास्ता जो है ना बड़ा फ्लैट है. फ्लैट इन द सेंस बोरिंग हो जाता क्योंकि एक ही तरह का रास्ता है. टेरेन सेम है और घंटों घंटों की ड्राइव बस ऐसे ही है इसी तरीके से. बट ये है कि हाँ स्पीड पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और हम लोग 80 पे चल रहे हैं विद इन लिमिट्स.
भले कार हो या बाइक हो, मेरी लिमिट ज़्यादातर इतनी है। बाइक तो चलो आप शुरू करिए फिर से चलानी, 80 चला रहा हूँ, नहीं तो मैं कार भी चलाता हूँ, तो कार भी अगर 100 120 की लिमिट है तो भी मैं 70 से लेके 90 के बीच में ही चलाता हूँ। पर्ची दे दी आपने आगे? तो 205 रुपए की पर्ची कटी अपनी टेल आगरा टोल। और यहाँ पे सारे वेट कर रहे हैं मेरी, एज यूजुअल मैं लेट हूँ। चलो भाई आगे, बारिश का मौसम हो रहा है। मथुरा यहाँ से 54 किलोमीटर है और बस बारिश ना हो, पहला दिन है राइड का, बारिश होगी तो गोप्रो शोप्रो बंद करना पड़ेगा अपने को, और थोड़ा जर्नी स्पॉइल हो जाती है। स्पॉइल क्या हो जाती है, बारिश में हम तो आनंद ले पाते हैं लेकिन आपको दिखा नहीं पाते। तो हम ब्रेक के लिए रुके थे द फूड स्ट्रीट, बट हमने यहाँ नहीं खाया, हमने आगे बीकानेर वाला बीकानो उस पर खाया, बिकॉज इस पर फूड स्ट्रीट पे मैं पहले खा चुका हूँ एंड आई डेंट रियली लाइक द टेस्ट। तो हमने जाके खाए आलू प्याज के पराठे और साथ में दही भल्ले और भल्ले पापड़ी। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आज का जो हमारा फर्स्ट स्टे होगा, कोशिश तो यह है कि इलाहाबाद के आसपास होगा, बाकी अगर मौसम साफ रहा तो गुड इनफ, नहीं साफ रहा तो हमें बीच में कहीं ना कहीं हॉल्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आगरा रह गया 50 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 180-185 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं अभी तक। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बीच बीच में बारिश हो रही है थोड़ी सी, काफ़ी रास्ता मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि बारिश के करके मुझे गोप्रो बंद करना पड़ा अपना। सारे पेड़ धुल गए हैं, घास के ऊपर से मिट्टी हट गई है, एकदम जैसे आफ्टर ऑटम सीज़न, जो पतझड़ के बाद स्प्रिंग सीज़न आता है, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है पेड़ों को और पत्तियों को देख के। हिमालयन पे राइड करने में मज़ा तो बहुत आता है लॉन्ग ड्राइव पे, बट इसकी सीट्स ओवर सॉफ्ट है, आपका गुड़गांवा पूरा टच हो जाता लोहे पे ऐसा लगता है। इला टाइम तो बड़ा कंफर्ट लगता है और उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अपने कुशन जो है ना चेंज करने पड़ जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में उठ के सैडल करना पड़ जाता है। तो हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं, सबकी बाइक्स ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी एंड अभी मैंने रीफ्यूल कराया 912 रुपये। अभी एस जे भाई और निशांत भाई लाइन में लगे हैं, लाइट चली गई थी अब आई है, फिर रुकते हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे से स्ट्रेट चल रहे हैं हम लोग। तो अब हम रुके हैं ब्रेक के लिए, टैंक हो गया फुल, अब करेंगे पेट फुल। हम तकरीबन 100 या 105 किलोमीटर दूर रह गए लखनऊ से और ये नदी देखो, बारिशों ने इस बार सारी नदियां भर दी हैं, जो नदियां सूखी मिलती थी
सारी नदियाँ भर दी हैं इस बार। मौसम बहुत अच्छा मिला, बस बीच में 2-3 घंटे काफ़ी गर्मी थी, नहीं तो ओवरऑल मौसम बहुत बढ़िया था। जगह जगह थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, फिर थोड़ी सी छांव आ जाती थी, तो ओवरऑल राइड बहुत मज़ेदार है। सब बाइक चला चला के थक गए हैं, सब ने भगा ली बाइक, अब सारे इकट्ठे हो गए हैं, धीरे धीरे 70-80 की स्पीड पे चल रहे हैं। ये SJ भाई शुभम एक्सपल्स दबा के भगा रहा, निशांत भाई लेफ्ट का ये व्यू देखो, कितना शानदार है, ग्रीन ग्रासलैंड सारे, और सारे जानवर चल रहे हैं, गाय क्या बकरी क्या सब है। मौसम बहुत अल्टीमेट हो चुका है, बस बारिश ना हो। वैसे तो बादल क्लियर है, यहाँ लेन सिस्टम बहुत अच्छा है। अब जिस लेन में हम चल रहे हैं ये 80 की स्पीड का लेन हो गया, ये 100 की स्पीड का लेन हो गया, और ये ओवरटेकिंग के लिए। राइड बहुत स्मूथ है, और रोड्स तो क्या ही कहने हैं, लखनऊ एक्सप्रेसवे के अल्टीमेट रोड्स हैं। रेनी सीजन के करके आसपास जो ग्रीनरी है ना, उसने 4 चांद लगा दिए इस राइड में। निशांत भाई को जोश आ गया चिड़ियों को उड़ते देख के, अभी अपनी बाइक को भी उड़ाने वाले हैं। ये देखिए रौनक टुंडे कबाब के आगे, द ओल्डेस्ट टुंडे कबाबी ऑफ लखनऊ। आपको कैसे लगे मटन गलौटी? खाने में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इसलिए। ये मटन गलौटी, रुमाली रोटी, मटन ग्रेवी, और ये हम, और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ 1 लाख की पारी हो रही है। तो डिनर हमारा हो गया है, भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, इसलिए फिर से मीठे में क्या खाएंगे हम? अवधि खीर। निशान भाई से खुशी खुशी क्या देता है संभल नहीं रही है, वो तो कह रहे पेल होगा मैं आप देखो पूरा देखे दो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि SJ के सब्सक्राइबर जब मेरे 1 लाख करवाएंगे ना उसकी पार्टी भी आज ही होगी। हाँ देखो चम्मच भरो और ये देखो टेस्ट लेते देखो शानदार, कैसा टेस्ट? दलिये जैसा। तुम हेल्दी खाना खाओ ना, बैड टाइम हो रहा तुम्हारा। तो एक तो अब हम खाना खा के निकल रहे हैं, यहाँ शोर बहुत है तो आवाज़ कम आएगी। भीड़ देखिए यहाँ पे, वेरी गुड मॉर्निंग चटोराज फैमिली। सॉरी कल रात को अपडेट नहीं डाल पाया, बहुत थक गया था तो मुझे सोना था और लोगों को जागना था, तो इसलिए ये मॉर्निंग में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से सोया, मेरा बड़ा ध्यान रखा गया पूरी रात,
भाइयों ने आओ फीडबैक लेते हैं। नींद इन्होंने बहुत अच्छी ली है रात को। आप अपने ब्लॉग में थे, हम तो बता रहे हैं ना, मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया। ऐसे भाई रात भर आवाज लगा लगा के चेक करते रहे कोई नींद में कोई खलल तो नहीं मच रहा, पूछता रहा सो गए क्या। निशाल भाई बताते ओके भाई का रिप्लाई था ओके। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा दिन रहा इन टर्म्स ऑफ फूड राइड सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, डे वन ए वन। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ नहाने के बाद।